हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल फ्यूचर टेक्नोलॉजी आरसी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने काफ़ी सारे वीडियो में देखा होगा जहां पर रिले का यूज होता है वहां पर इसके एक्रॉस में एक डायोड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डायोड क्यों यूज किया जाता है और अगर हम डायोड यूज नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप डायोड का यूज नहीं करोगे तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम डायोड का यूज करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार रिले में प्रॉब्लम ऐसा क्या होता है जिसको निकालने के लिए हम ये डायोड का यूज करते हैं, और मैं आपको पूरी प्रूफ के साथ बताऊँगा अगर आप डायोड नहीं लगाओगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप तो पहले देख लीजिए, जो रिले होता है ये मेरे पास एक 12 वोल्ट का रिले है। ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल होता है जो कि एक इंडक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं 12 वोल्ट का डीसी का सप्लाई देते हैं तो ये जो रिले क्या होता है, मैग्नेट होता है। मैग्नेट होने के बाद ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल होता है जो कि एक इंडक्टर होता है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा ये जो कैपेसिटर होता है, इसमें हम जब भी कुछ सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, ये जो कैपेसिटर है कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है। जैसे कि बैटरी एनर्जी को स्टोर करता है, उसी तरह कैपेसिटर जो है ये भी एनर्जी को स्टोर कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी का नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर के ऊपर, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी तरह से देखिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, कैपेसिटर जो होता है इसका दो टर्मिनल होता है। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव का और एक होता है नेगेटिव का। तो जब भी हम कैपेसिटर में, अगर हम कैपेसिटर को एक बैटरी पर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्विच को कनेक्ट किया हुआ है, अगर मैं स्विच को कनेक्ट करता हूँ तो एक कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। अगर मैं स्विच को ऑफ कर देता हूँ तो ये क्या होगा, चार्ज को स्टोर कर लेगा। अगर हम इसके एक्रॉस में एक लोड लगा लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक वोल्टमीटर लगा लिया, तो ये हमें दिखाएगा ये कितना एनर्जी स्टोर किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर जो है ये जिस टर्मिनल पर एनर्जी का स्टोर करता है, यानी कि अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं नेगेटिव दे रहा हूँ, ठीक है, और सप्लाई निकालने के बाद इसका ये जितना भी वोल्टेज स्टोर कर लेता है उसको जो भी आउटपुट निकालता है तो उसका जो पोलैरिटी होता है वो सेम ही रहता है, यही पॉजिटिव रहेगा और यही नेगेटिव रहेगा। ठीक है, चार्जिंग के टाइम इसका पोलैरिटी जो भी होता है, डिस्चार्जिंग के टाइम उसका पोलैरिटी वही होता है। ठीक है, लेकिन इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर भी एक तरह का एनर्जी को स्टोर कर लेता है। ठीक है, ये हमारा इंडक्टर का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, इंडक्टर भी कुछ एनर्जी स्टोर करता है, जैसे कि कैपेसिटर और बैटरी एनर्जी को स्टोर करता है, उसी तरह इंडक्टर भी कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको पॉजिटिव देता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव देता हूँ, मैं इसको सप्लाई कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पर स्टोर कर लेगा। लेकिन अगर मैं सप्लाई को निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर इसका जो पोलैरिटी होता है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव देकर इसको चार्ज करता हूँ, अगर और उसके बाद मैं सप्लाई अगर निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा इसका पॉजिटिव, ये हो जाएगा इसका नेगेटिव। ये होता है इंडक्टर का खासियत। ठीक है, कैपेसिटर में आपने जाना, जहाँ पर हम पॉजिटिव देते हैं और वहीं से हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलता है, लेकिन इंडक्टर में थोड़ा उल्टा हो जाता है। ठीक है, हम जहाँ से पॉजिटिव देते हैं और जब भी आउटपुट देता है, हमें एनर्जी आउटपुट देता है, तो इसका जो पोलैरिटी होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, रिले जो होता है इसके अंदर भी एक इंडक्टर होता है। तो जब भी हम इसको कुछ सप्लाई देंगे, ठीक है, और उस सप्लाई को हम निकाल लेंगे तो ये अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है। तो अभी हम देखेंगे वो कितना एनर्जी स्टोर करता है जिसके वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं एक रिले लेता हूँ और इसका जो दो टर्मिनल है, यहाँ पर मैं दो वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये व्हाइट वाला है नेगेटिव का और रेड वाला है इसका पॉजिटिव का। ठीक है, तो अभी मैं इसको 12 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक 12 वोल्ट का बैटरी जिसे मैंने अपने घर पर बनाया था। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो इसको मैं नेगेटिव और पॉजिटिव पर कनेक्ट कर लेता हूँ।
तो दोस्तों रिले अभी ऑन हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं एक मल्टीमीटर लेता हूँ और इसको डीसी वोल्टेज पर सेट कर लेता हूँ, और अभी मैं इस मल्टीमीटर को रिले का जो कॉयल है उसके एक्रॉस पर मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं रिले को पावर सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप मल्टीमीटर पर देख सकते हो कितना वोल्टेज यहाँ पर शो कर रहा है। तो अभी मैंने इसको पावर सप्लाई दिया और यहाँ पर 12 वोल्ट शो कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसको डिसकनेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो ये आ गया 18 वोल्ट। देख सकते हो जब भी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये इसका एक्रॉस पर वोल्टेज दिखाता है 10 वोल्ट अभी बैटरी पर है, ठीक है। अगर मैं इसको डिसकनेक्ट कर लेता हूँ तो 24 वोल्ट। तो अभी मैं इसको ज़रा तेज़ी से करता हूँ तो देखते हैं आप कितना वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हो 100-200 के आसपास वोल्टेज चला जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी ज़रा सोचिए, अगर यही 200 वोल्ट हम अगर इसको कोई सर्किट पर कनेक्ट करते हैं और अगर यहाँ पर 100 से 150 वोल्टेज जनरेट हो जाता है, तो वो जो वोल्टेज होता है वो अगर रिटर्न चला जाए सर्किट पर, तो उस सर्किट का हाल क्या होगा, वो सर्किट वो जल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एक डायोड को कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी चलिए हम एक डायोड को कनेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं एक डायोड ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस डायोड का यह है एनोड का, यह है कैथोड, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम जहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं वहाँ पर हमें कनेक्ट करना होगा कैथोड को, क्योंकि जब भी ये आउटपुट निकलता है रिले से तो ये वाला होता है नेगेटिव और ये वाला होता है पॉजिटिव, यानी कि जहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं पॉजिटिव वो हो जाता है नेगेटिव, और जहाँ पर हम नेगेटिव दे रहे हैं वो हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए हमें ये कनेक्ट करना होगा जहाँ पर पॉजिटिव दे रहे हैं वहाँ पर कैथोड को, और जहाँ पर हम नेगेटिव दे रहे हैं वहाँ पर एनोड को। तो यहाँ पर मैंने डायोड को कनेक्ट कर लिया है, तो अभी मैं इसको पावर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो रहा है, जितने तेज़ी से भी आप कर लो अभी वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये देख सकते हो ये 9 वोल्ट है, 10 वोल्ट था, 9 वोल्ट का आ रहा है अभी। अभी निकालने के बाद 0। अगर हम डायोड को निकाल लेते हैं तो देख सकते हो वोल्टेज कितना यहाँ पर बढ़ रहा है। तो दोस्तों यही वजह है हम एक रिले के एक्रॉस पर डायोड को कनेक्ट करते हैं। अगर हम डायोड को कनेक्ट नहीं करेंगे तो इस रिले का एक्रॉस पर जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, हाई वोल्टेज रिले जनरेट कर रहा है, उसी हाई वोल्टेज की वजह से हमारा जो भी सर्किट इसमें कनेक्ट होगा वो सर्किट जल सकता है। तो दोस्तों ये हो गया मेरा एक इंडक्टर है, ये रिले का कॉयल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ इसको पॉजिटिव और ये देता हूँ मैं इसको नेगेटिव चार्ज होने के लिए, ठीक है। तो जब भी ये डिस्चार्ज होगा तो ये हो जाएगा इसका पॉजिटिव और ये हो जाएगा इसका नेगेटिव। तो हमें क्या करना होगा, इसके एक्रॉस पर एक डायोड को हम इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो भी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगा ये होगा इसका पॉजिटिव, ठीक है। वो क्या होगा, इधर से आएगा ऐसे अपने अंदर ही, ये उस एनर्जी को ये क्या होगा डिस्ट्रॉय कर लेगा, ठीक है। ये जो डायोड होता है इसे हम बोलते हैं यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। यहाँ पर हम बोलते हैं इसको फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। ये यहाँ पर फ्री व्हीलिंग का वर्क करता है, यानी कि जो भी एनर्जी यहाँ पर स्टोर होता है उसी को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर हम डायोड को कनेक्ट नहीं करेंगे तो इसको एक्रॉस पे जो भी सर्किट कनेक्ट होगा ये उस सर्किट को डैमेज कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पर एक फ्री व्हीलिंग डायोड को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था हमारा आज का एक छोटा सा टेस्टिंग कि रिले के एक्रॉस पर डायोड क्यों कनेक्ट करते हैं, अगर हम डायोड कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों इसी तरह मोटर जो होता है उसके अंदर भी इंडक्टर होता है, और मोटर को जो सप्लाई देते हैं उसके एक्रॉस पर भी हाई वोल्टेज निकलता है, ठीक है। और उसी हाई वोल्टेज को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ।